तो हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट देखने को मिलेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से नेशनलिज्म पूरे यूरोप में फैलता है, उसके बाद ये नेशनलिज्म एक्चुअली होता क्या है, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे यूरोपियन सोसाइटी के कुछ हालात के बारे में, और फिर हम लोग जानेंगे एट लास्ट कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में, और उसके बाद आइडियाज ऑफ नेशन किस तरह से फ्रेंच सोसाइटी में इमर्ज होता है या फिर प्रमोट होता है। अब सबसे पहले लोग बात करते हैं कि नेशनलिज्म क्या होता है। तो किसी भी नेशंस के प्रति या फिर किसी भी कंट्रीज के प्रति वो अपनापन का फीलिंग को हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। जैसे कि हम लोग का जो फीलिंग होगा टुवर्ड्स अवर कंट्री इंडिया, वो उसी तरह के फीलिंग को हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं, और इसे हम लोग पैट्रियोटिज्म भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि किस तरह से नेशनलिज्म एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 19th एंड 20th सेंचुरी में यूरोप में खासकर। सो सबसे पहले आपको बता दूं कि उस समय यूरोप में किसी भी तरह का नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, और नेशनलिज्म वही करता है। नेशनलिज्म जो लोग सप्रेस्ड हो रहे हैं, यानी कि जो जो डायनेस्टीज या फिर एम्पायर्स के अंदर जो बहुत सारे कंट्रीज जो सप्रेस्ड हो रहे हैं, उन लोग को मोटिवेट करते हैं कि वो लोग रिवोल्ट करें और अपना एक यूनिफाइड नेशन बना सके। अब बेसिकली हम एक बात करते हैं यूरोपियन सोसाइटी के बारे में। तो यूरोपियन सोसाइटी बेसिकली दो क्लासेस में डिवाइडेड था, पहला अपर क्लास, दूसरा लोअर क्लास। जैसा कि अपर क्लास का नाम सजेस्ट करता है, किसी समाज के सबसे ऊंचले वर्ग के लोगों को हम लोग कहते हैं एरिस्टोक्रेट्स, वो काफी धनी लोग होते हैं, जो कि काफी धनी लोग रहते हैं, इसलिए बाकी सभी अदर क्लासेस को दबाने की कोशिश करते हैं, यानी सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, इसे हम लोग डोमिनेंट क्लास भी कहते हैं। और लेकिन ये जो अपर क्लास थे, इन लोगों में काफी हद तक यूनिटी थी। किस तरह से यूनिटी थी, अब बेसिकली वे लोग का इंटरेस्ट भी कॉमन था, वे लोग लाइफ स्टाइल भी कॉमन लाइफ स्टाइल लोग जीते थे, उन लोग का जितना भी प्रॉपर्टीज था वो कंट्री साइड या फिर टाउन साइड के पास था। वे लोग बेसिकली डिप्लोमेटिक पॉलिसीज के लिए फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, उन लोग का लैंग्वेज भी कॉमन हो गया था। उसके बाद बहुत सारे एरिस्टोक्रेट फैमिलीज आपस में शादी के बंधन से जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं लोअर क्लास के बारे में। तो लोअर क्लास के बेसिकली पीपल्स, बहुत सारे जो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स लोअर क्लास के, वो पीजेंट्स थे, और बहुत सारे जो लैंडलेस लेबर्स थे उनको हम लोग सर्व करते हैं, और एरिस्टोक्रेट क्या करते थे, इसी सबसे बहुत कम वेजेस में काफी हद तक काम करवाते थे, और इस सिस्टम को कहते थे सॉफ्ट डम। तो आप लोग देख सकते हैं कि अपर क्लास पीपल्स और लोअर क्लास पीपल्स में काफी हद तक का लाइफ स्टाइल में काफी हद तक का अंतर है। हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे रिवोल्यूशनरीज के बारे में जो यूरोप के, खासकर आप बात करेंगे ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क एक जर्मन रिवोल्यूशनरीज थे, और इन्होंने जर्मनी के यूनिफिकेशन में काफी हद तक रोल प्ले किया है। अब बात करते हैं गिज़िप मज़िनी और गिज़िप गारिबाल्डी का, ये दोनों इटालियन रिवोल्यूशनरीज थे, और ये दोनों भी काफी हद तक अपना योगदान दिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में तो सभी को पता होगा, नेपोलियन बोनापार्ट एक मिलिट्री डिक्टेटर है। बेसिकली वे पहले से तो मिलिट्री मैन थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि फ्रेंच का पॉलिटिकल सिस्टम उतना अनस्टेबल है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया, फ्रांस को अपना साम्राज्य घोषित कर दिया। 1804 में उन्होंने अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। भले उन्होंने डेमोक्रेसी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम उनका मानना था कि जो पूरा जो सिस्टम है उनका, यानी कि जो पूरा सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो या फिर इकोनॉमिकल सिस्टम हो, किसी भी तरह का सिस्टम हो, काफी कामदार होना चाहिए, यानी कि रैशनल और एफिशिएंट होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स को पास किया जिससे कि क्या होगा, जिससे क्या होगा कि उनका पूरा जो सिस्टम है वो रैशनल और एफिशिएंट हो, उसे हम लोग कहते हैं सिविल कोड ऑफ 1804, और इसे नेपोलियन कोड भी कहने लगे थे 1807 के बाद। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जो कि नेपोलियनिक कोड में काफी जो कि नेपोलियनिक कोड के अंदर आता है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो यहाँ पे मेंशन नहीं, उन्होंने जो बर्थ के ऊपर जो प्रिविलेजेस था उसको खत्म कर दिए, यानी कि आप किसी के हायरार्कीज आपको पोस्ट ऑक्यूपाई नहीं करेगा, यानी कि आप क्या होगा, जिसके पास टैलेंट होगा वही कोई पोस्ट या पोजिशन होल्ड करेगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इक्वालिटी समाज में प्रमोट किया, यानी कि आप कोई भी रूल तोड़ेगा तो उसे सेम पनिशमेंट मिलने वाली है। उन्होंने प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया, यानी कि आप कोई भी लीगली किसी के प्रॉपर्टी को स्नैच नहीं कर सकता है। उन्होंने क्या किया, गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया, यानी कि उस समय क्या था कि स्टेट वाइड रिस्ट्रिक्शन था ट्रेड करने का, उस सिस्टम को हटा दिया। उन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया, जिससे क्या हुआ ट्रेडर्स और बिजनेस क्लास को काफी हद तक मदद मिली। उन्होंने क्या किया, वेट एंड मेजर सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लाई, यानी कि पहले क्या था कि एक
एक शहर मतलब एक नेशन के अंदर काफी हद तक, उस समय बेसिकली नेशन तो था नहीं, तो एक स्टेट्स के अंदर काफी करेंसीज मतलब बहुत सारा करेंसी और वेट सिस्टम में जस्ट डिफरेंट डिफरेंट था। उसी में सेम मैंने कि उसी में क्या हुआ, उसी में यूनिफॉर्मिलिटी ला दी थी नेपोलियन बोनापार्ट। अब बात करते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में तो आप लोग लगभग पढ़ चुके होंगे क्लास नाइन्थ के में। और फ्रेंच रिवोल्यूशन बेसिकली 14 जुलाई 1789 को चालू हुआ था। बेसिकली फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए फ्रांस के अंदर, जो कि बेसिकली इंडायरेक्टली पावर्स किसके हाथ में रख दिए थे, इंडायरेक्टली पावर्स वो फ्रेंच सिटीजन के हाथ में दे दिए। और ये जितने भी चेंजेस थे फ्रांस में वो क्या हुआ, बाकी अदर यूरोपियन कंट्रीज को क्या हुए, मोटिवेट किया कि वे लोग भी मोनार्कीज को, जो वे लोग भी जो सप्रेस्ड हो रहे हैं मोनार्कीज के अंदर, उसको ओवर थ्रो कर दें। अब आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस, मैंने कि फ्रांस में नेशनलिज्म का आइडिया कैसे फैला। सबसे पहले तो फ्रांस में जो नेशनलिज्म के आइडिया को फैलाने में सबसे पहले नेशनलिस्ट और रिवोल्यूशनरीज का काफी हद तक योगदान है। उन्होंने सबसे पहले आइडियाज ऑफ ले पैट्रियोटिसिटी उनको काफी हद तक स्प्रेड किया। जैसे कि अभी हम लोग का जो रिलेशन है टुवर्ड्स अब भारत माता, तो वही तरह का रिलेशन वो लोग क्या करते थे, इमेजिनरी कैरेक्टर्स की मदद से लोगों में ये जागरूक कराना चाहते थे कि उन लोग का भी एक अपना एक नेशंस होगा और उसमें भी क्या होगा, काफी हद तक लोग में बॉन्डिंग रहेगी। तो ये जो आइडिया था वो काफी लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो डिस्पोटिक फ्लैग था यानी कि जो बर्बन डायनेस्टी का फ्लैग था उसको तिरंगा से रिप्लेस कर दिया। इससे क्या हुआ लोगों को, इसमें क्या हुआ कि लोगों को लगा कि अब नया फ्रांस का फॉर्मेशन होने वाला है। अब उन्होंने पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हाइम्स ओथ को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि क्या लोगों में पैट्रियोटिज्म फैला, देशभक्ति फैला। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैंने कि वेट मेजर सिस्टम जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात किया था, इसको इसमें यूनिफॉर्मिलिटी ला दी। जो फ्रेंच जो उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज था फ्रांस का, उसे कॉमन लैंग्वेज में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि इमेजिनरी कैरेक्टर्स को एक मैंने एक रूप दे दिया गया जर्मिनिया को, जिससे कि लोगों को लगा कि यही हम लोग के एक बेसिकली फीमेल कैरेक्टर्स है जो कि नेशनलिज्म के आइडियाज को प्रमोट कर रहे थे। उसके बाद नेशनल असेंबली भी काफी हद तक रोल प्ले करती है नेशनलिज्म के आइडियाज को इमर्जेंस में। बेसिकली नेशनल असेंबली वो जगह है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लोग आपस में बैठ सकते हैं और किसी भी कंट्रीज के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और वो अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, कुछ एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो बेसिकली नेशनल असेंबली में क्या होता है कि लोगों में ऐसा लगता है कि हम लोगों में इक्वालिटी बेसिकली प्रमोट होता है और ब्रदरहुड भी। सो आज के लिए इतना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और अधिक से अधिक शेयर करें।